नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समस्तीपुर इंकलाबी नौजवान सभा जिला कमेटी का बैठक भाकपा माले जिला कार्यालय लेनिन आश्रम माल गोदाम चौक पर शुक्रवार को संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आसिफ होदा व संचालन जिला सचिव रोशन कुमार ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, माले अस्थायी समिति सदस्य ललन कुमार, बड़े व्यक्षक जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, आरवाईए जिला प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला सम्मेलन की समीक्षा, जिला के सभी प्रखंड में प्रखंड कमेटी की बैठक करने एवं समस्या नवीनीकरण करने, 15 से 20 फरवरी 2023 तक भाकपा माले के पटना महा अधिवेशन कोष एवं रैली की तैयारी, जिला से 1000 नौजवान को रैली में भागीदारी दिलाने का काम, दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो नारे के साथ नौजवानों को गोल बंद करके जिला उद्योग विभाग कार्यालय एवं जिला नियोजन कार्यालय का घेराव करने, बिजली बिल में हेराफेरी सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कमेटी सदस्य रंजीत राम, रामसुदन भारती, संजीव पासवान, जसमिंदर राम, कृष्णा कुमार, मुकेश कुमार गुप्ता, मोहम्मद इफ्तेखार आलम, तनंजय प्रकाश, रामबाबू पासवान, चंद्रवीर कुमार, नवीन कुमार, अभिषेक कुमार आदि उपस्थित थे। नौजवान सभा का आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। आरवाईए के नेतृत्व में यहाँ कई सफल आंदोलन हुए हैं। बिजली के सवाल पर जब बिजली किल्लत थी और उस समय एक बड़े बड़े आंदोलन यहाँ हुए हैं। आज के दौर में नौजवानों में भारी आक्रोश है। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, रोजगार विरोधी जो नीति है, अंबानी अडानी परस जो नीतियाँ हैं, जिस वजह से हिंदुस्तान में एक बहुत ही ख़राब तस्वीर बन रही है। हिंदुस्तान में केवल 21 बड़े धनपतियों के पास में, अरबपति खरबपतियों के पास में 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। नीचे के 50% लोगों के पास हिंदुस्तान की संपत्ति का केवल 3% है। तो ये जो एक असमानता का खाई हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो नौजवानों का आक्रोश विभिन्न रूपों में सामने आ रहा है। इनकलाबी नौजवान सभा हिंदुस्तान के नौजवानों को एक क्रांतिकारी दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और समस्तीपुर में भी इनोस के की ओर से नौजवानों को गोलबंद करने की एक नई शुरुआत हुई है। हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। अभी हाल ही में इनोस का जिला सम्मेलन हुआ जिसमें मनोज मंजिल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आए थे। उन्होंने ऐलान किया है कि समस्तीपुर को नौजवान आंदोलन का केंद्र बनाना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आज इनकलाबी नौजवान सभा के साथियों से जो बात हुई, उस बातचीत में मिथिलांचल के जो सवाल हैं उन सवालों को भी लोगों ने उठाने का फैसला किया है। लोगों ने ये तय किया है कि आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश राज में मिथिलांचल के भीतर जितने उद्योग थे, आज सारे उद्योग बंद हो गए हैं। चीनी, पटसन का उद्योग, कागज का उद्योग, सूता उद्योग, ये खादी ग्राम उद्योग का उद्योग सब कुछ बंद हो गया है और यहाँ के लोगों के पास में माइग्रेशन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रश्न को मजबूती से उठाया जाएगा, रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो, इस सवाल पर साथियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पर है, हर जगह पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया है, इन प्रश्नों को भी लोग मजबूती से उठाने का इन्होंने फैसला किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकलाबी नौजवान सभा नौजवान आंदोलन के क्रांतिकारी केंद्र के बतौर समस्तीपुर में सामने आएगा और इस दिशा में वो बढ़ेंगे, सफल होंगे, यही मैं कामना करता हूँ।